एएमयू की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में वाइस चांसलर के पद के चयन के लिए 5 नाम सामने आए हैं। बड़ी बात यह है कि इसमें एक महिला भी शामिल है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल के इतिहास में पहली बार वाइस चांसलर बनने की रेस में महिला उम्मीदवार का नाम सामने आया है। जी हाँ, प्रोफेसर नईमा खातून, जो राजनीतिक मनोवैज्ञानिक में दिल्ली और एएमयू में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज में अपने काम के लिए सम्मानित हो चुकी हैं। इससे पहले भी एएमयू सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड करियर प्लानिंग में निदेशक के रूप में रह चुकी हैं। वीसी की भूमिका के लिए नईमा की उम्मीदवारी उनके विशाल अनुभव और महिला शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में बताती है। नईमा खातून उड़ीसा के सुदूर मुस्लिम समुदाय से आती हैं। वीसी पद पर एक महिला की संभावित नियुक्ति विश्वविद्यालय को सक्रिय पहल की दिशा में आगे बढ़ाने और प्रगतिशील माहौल को बढ़ावा देने का वादा करती है। काउंसिल में नईमा खातून के अलावा प्रोफेसर फैजान मुस्तफा, जो चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी रह चुके हैं। इसके अलावा नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च का नेतृत्व भी कर चुके हैं। इसके अलावा प्रोफेसर कयूम हुसैन का नाम भी सामने आया है, जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर के वीसी हैं। प्रोफेसर कयूम हुसैन का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। वो जम्मू एंड कश्मीर के जेएन मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन संकाय के पद पर भी रह चुके हैं। इस लिस्ट में प्रोफेसर फुरकान कमर और प्रोफेसर एम यू रब्बानी को भी वीसी उम्मीदवारों की लिस्ट में रखा गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बनाने का नियम बाकी विश्वविद्यालयों से अलग है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग ही अपना वीसी चुनते हैं, जबकि राज्य सरकार और अन्य दूसरे केंद्रीय विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर के लिए सर्च कमेटी 3 नाम तय करती है। विश्वविद्यालय के लिए राज्य के राज्यपाल फिर एक नाम पर फैसला करते हैं, जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भी सर्च कमेटी 3 नाम का पैनल राष्ट्रपति को भेजती है। इनमें से किसी एक को वीसी बनने का मौका मिलता है।